हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेम के भाव, जो कि आप बुक पढ़ रहे थे द सीक्रेट, एक रहस्य, जो कि ज़िंदगी के बारे में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अबरार है और आज का जो हमारा बुक है द सीक्रेट, जिसको लिखा है रॉन्डे बर्न ने। रॉन्डे बर्न एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑथर है और उन्होंने इस रहस्य के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया है। प्रेम के भाव, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेम के भाव। अभी तक हमने जाना है हमारे वर्तमान जीवन और बीते हुए समय में सबसे अधिक प्रभाव हमारे विचार का होता है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज़्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसीलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदल कर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रेम की। इस किताब में स्पष्ट लिखा है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम से सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपको जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होगी। आप अपने बुरे विचार से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। वही अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाइए इससे किसे लाभ होगा। आपको, जी हाँ आपको। इसीलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है, अगर आपके विचार प्रेम के हैं, प्यार के हैं, तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर है। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे उतना ही ज़्यादा शक्ति का एहसास करेंगे। चार्ल्स होनर के अनुसार जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की ज़बरदस्त शक्ति देती है। जी हाँ, प्रेम ऐसी ताकत है जो कि इंसान को वो हर चीज़ हासिल करने में ताकत देती है। वो आकर्षण का नियम है, वो एक ऐसा अट्रैक्शन का नियम है। ये एक शक्ति और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में बसता है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजय बन जाते हैं। मर्सी शिमोफ ने महान दार्शनिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अद्भुत कथन दोहराया है, कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ सकता है, क्या ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? आकर्षण के नियम के जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही हो सकता है कि हाँ, ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप ये जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टाइन ने ये
सशक्त सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि ये रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप इन आइंस्टाइन के इरादे को और आगे तक ले जाने या दृढ़ घोषण कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड भव्य है, ब्रह्मांड सभी अच्छी चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है, ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है, ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है, ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है, ये आपकी ज़िंदगी है और ये इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप ये सोच रहे हो कि ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसीलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ये ब्रह्मांड से कहें, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत आसान है मेरे दोस्त, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है। और फिर अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ पाएँ। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतज़ार कर रही है कि आप उसे खोजें, और वो सच्चाई ये है कि आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं जो ज़िंदगी इंसान को दे सकती है। आप ये बात मन जानते हैं क्योंकि उन सभी अच्छी चीज़ों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ों पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप अपने जीवन के निर्माण हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मन चाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में खुद अपना स्वागत करें, अपने भविष्य स्वरूप में आपका स्वागत है। आइए संक्षेप में जानते हैं अब तक का रहस्य। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही ये भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का अहन ना करें, तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मन्यवान साधन है, ये हमें तत्काल बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है आप किस फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें यानी खूबसूरत यादें, सुंदर प्राकृतिक दर्शन यानी अच्छी चीज़ें, या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वो स्वच्छ फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं यानी अपनी ओर खींचते हैं, आपकी शक्ति उतनी ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड में भेजे गए आपके सभी संदेश केवल आपके लिए काम करते हैं। आप जो चाहते हैं उनके बारे में पूरे मन और लगन से सोचिए। अपने अंदर प्रेम और साधना के विचार रखिए और अपने जीवन को फलता फूलता देखिए। इस विषय पर बाकी चर्चा
नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा रहस्य का प्रयोग, हम रहस्य के प्रयोग को किस तरह से इस्तेमाल करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अगले पार्ट में हम फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे, रहस्य का प्रयोग हम किस तरह से करें। और इस ऑडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नाम है अबरार वॉइस ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बाजू में बेल रहेगा, बेल बटन को प्रेस करें और वहां पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको हर वो वीडियो आपको आ सके जो मैं अपलोड करता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।